यूट्यूब ओपन करें, सर्च पर क्लिक करें, लिखें MI स्पेस TCS, सर्च पर क्लिक करें, फर्स्ट चैनल पर क्लिक करें जो अपना है, उसके बाद सब्सक्राइब बेल बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिटेक में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज सेटिंग्स का। ये दूसरा पार्ट है और इसके अंदर हम बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में, डिवाइसेस सेटिंग्स के बारे में। कुछ स्पेशल फीचर्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सो डोंट मिस दिस वीडियो, पूरा वीडियो देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आपको क्लिक करना है यहाँ पर, एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑल सेटिंग्स पर। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर विंडोज सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। सिस्टम सेटिंग्स के बारे में पार्ट वन में हमने बात कर ली, उसके बाद सेकंड पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में। जैसे हम मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको मिल जाएगी ऑल डिवाइसेस की लिस्ट मिल जाएगी, एंड आपको अगर कोई फाइंड आउट करना तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ पूरा पैनल जो है आपको मिल जाएगा, रिलेटेड सेटिंग्स, हैव क्वेश्चंस एंड मैक विंडोज बेटर, ठीक है। तो ओके, उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस के बारे में, डाउनलोड ओवर मेथड कनेक्शंस। अगर आपको यहाँ पर कोई ब्लूटूथ ऐड करना है, अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है तो ब्लूटूथ ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, और अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप है तो आपको पहले इंस्टॉल करना होगा ब्लूटूथ। तो उसके बाद आपको यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड करना है ब्लूटूथ डिवाइस, ऐड कर सकते हैं ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस डिस्प्ले और डॉक एंड एवरीथिंग एल्स। अगर आपको एक्सबॉक्स कंट्रोलर और अगर आपको कनेक्ट करना है DLNA तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अगर अभी मेरे पास कोई डिवाइसेस है नहीं है कनेक्ट करने के लिए तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी ऐसे इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। आपने जो प्री इंस्टॉल कर रखे हैं इंस्टॉलर, प्रिंटर्स एंड स्कैनर, वो यहाँ पर आपको सब बता देगा। अगर आपको कोई एड करना है प्रिंटर स्कैनर तो आपको यहाँ जस्ट क्लिक करना होगा, उसके बाद वो सर्च करेगा प्रिंटर या स्कैनर जो आपको एड करना होगा पहले से, एंड उसके बाद आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। द प्रिंटर दैट वॉज नॉट इज नॉट इन लिस्ट, तो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो नीचे आपने जो प्रिंटर्स और स्कैनर्स हैं फैक्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर PDF आपको यहाँ पर डाल रखिए, प्री इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, एंड जेरोक्स फेजर 3117 जो है मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर आपको बता देगा, और जो भी है ऑफलाइन है अभी ये। तो इस तरह से अगर आपको देखना है रिमूव करना डिवाइस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ओपन क्यू जो है आपको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कभी प्रिंट दे दी किसी की और वो प्रिंट जो है वो नहीं आई है तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, और जो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था प्रिंटर एंड स्कैनर। थर्ड ऑप्शन है माउस, जो कि माउस आपको ऐड कर रखा है। तो माउस के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन्स, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि लेफ्ट बटन जो होता है हम क्लिक करते हैं फॉर द एनी ऑप्शंस, यानी कि सिलेक्शन के लिए। तो ये अगर आप कोई लेफ्ट हैंडेड अगर कोई गाय है तो उसको अगर करना है तो वो राइट जो क्लिक है उसको भी प्राइमरी कर सकता है, यहाँ से आपको करना होगा प्राइमरी। उसके बाद रोल द माउस व्हील एंड स्क्रॉल मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम, यानी कि मल्टीपल लाइन करनी या वन स्क्रीन एट अ टाइम करनी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। चूज हाउ मेनी लाइंस टू स्क्रॉल ईच टाइम, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं आगे बढ़ाकर। उसके बाद स्क्रॉल इनएक्टिव विंडोज व्हेन आई होवर माउस देम, यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं टचपैड। अगर आपके लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो टचपैड आता है उसकी जो सेंसिटिविटी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मीडियम, यहाँ पे तीन ऑप्शन सॉरी चार ऑप्शन है, लो सेंसिटिविटी, मीडियम सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी एंड मोस्ट सेंसिटिव। तो आई थिंक मीडियम सेंसिटिविटी बेस्ट रहेगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है टाइपिंग ऑप्शन, यानी कीबोर्ड के बारे में, स्पेलिंग ऑटो करेक्ट मिस स्पेल वर्ड्स, हाईलाइटेड मिस स्पेल वर्ड। यहाँ पर टोंगल कीज आपको अवेलेबल है तो टोंगल कीज को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको ऑप्शन को ऑन करना है तो टोंगल कीज से ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेन एंड विंडो लिंक देन पेन। अगर आपको डायरेक्टली कोई आपके पास टच पैड है यानी कि टच लैपटॉप्स हैं या टच डेस्कटॉप है तो आप उसे उसके लिए पेन से यूज़ कर सकते हैं। हैंड राइटिंग इनपुट पैनल, राइट द हैंड राइटिंग पैनल विथ योर फिंगरप्रिंट्स ऑन कर रखा है यहाँ पर विंडोज इंक वर्क स्पेस, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर आपको मोर लर्न मोर अबाउट विंडोज़ की से आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ से कि आपको कैसे क्या ओपन करना है, कैसे यूज़ करते हैं, बहुत से लिंक्स इसके अंदर दे रखी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोप्ले। नाउ यूज़ ऑटो प्ले टू ऑल मीडिया एंड डिवाइसेज। अगर आपको कोई म्यूजिक वगैरह प्ले करना है तो ऑटो प्ले हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑन कर रखा है। चूज़ ऑटो प्ले डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पर रिमूव ड्राइव भी कर सकते हैं, चूज़ भी कर सकते हैं कि ओपन
take no action, ask me every time, open folder, view files, file explorer, configuration the driver to backup, file store and configure store settings. Memory card आप select कर सकते हैं यहाँ पर, मैंने दो phone यहाँ पर connect कर रखे हैं, Galaxy J7 and Moto G5S Plus, तो वो भी यहाँ से आप select कर सकते हैं, बहुत से options जो हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं. Then last option है USB, जो कि pen drive, flash drive, जो अपन यहाँ पर adapt करते हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रखा, तो यहाँ पर नहीं बता रखा. Again notify if there are the issue connecting to USB device, अगर कोई issue है तो हम उसे notify करेंगे. तो ये सब कुछ था डिवाइसेस के बारे में. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम है कनेक्शंस के अंदर, एस्टेब्लिशिंग के अंदर, इंस्टॉलेशन के अंदर, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए. आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोन सेटिंग्स के बारे में, हाउ यू लिंक योर एंड्रॉइड और iOS फोन टू द विंडोज 10. सो वेट कीजिए उस वीडियो का. एंड नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, आगे बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट और नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको अपनी स्मार्टफोन पर. सो गाइस दिस इज रैप अप टाइम फॉर this video. Will be see you soon in the next one. Take care and thank you very much.